किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ईवीएम को लेकर चल रहे बवाल पर अब सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया तो अनुराग ठाकुर ने बड़े ही अलग तरीके से तंज कसा। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को खारिज करते हुए कहा, अखिलेश जी की जो नई हवा है और सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार करिए, ये वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है, मन मना लिया करना इनको दफा है। अखिलेश यादव 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बड़ी बेवफा है। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नज़र आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए, ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतज़ार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे अपराधियों आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के चार यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। सपा पर हमला करते हुए अनुराग ठाकुर ने यूपी में MY फैक्टर का जिक्र किया, पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है, ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं MY, मोदी जी की योजनाएं ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसलिए लोगों ने मोदी जी योगी जी को वोट दिया। ईवीएम पर उठे सवालों पर सियासत के बीच सभी को 10 मार्च का इंतजार है, जब यूपी में हार और जीत का फैसला हो जाएगा। तब तक इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपी की हर खबर सिर्फ यूपी तक पर।